हम सब की मोहल्ला वासियों की हम यही चाहते हैं कि हमारी जो रोडें हैं ये बन जाए मोहल्ले की, नालियों का निर्माण हो जाए जो कि हमारे बच्चों को जाने आने में और यहाँ के जो रहवासी हैं इनको असुविधाएं ना हो और हम लोग अच्छे से अपना यहाँ जीवन व्यतीत सकते हैं। कहने के लिए स्मार्ट सिटी सतना, काम गांव से भी बदतर। घर से बाहर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो बच्चे भी गंदे हो रहे हैं, शूज वगैरह, सॉक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह सब गंदी हो जा रही है। बसेस नहीं आ पा रही हैं हमारे दरवाजे तक, हमको काफ़ी दूर तक उनको छोड़ने जाना पड़ता है। कभी होम डिलीवरी भी कुछ आ रही है, सिलेंडर वगैरह भी आ रहा है, वो भी आधी दूर तक ही छोड़ रहा है क्योंकि अंदर तक आ ही नहीं पा रहे हैं। बाहर बसेस नहीं आ रही हैं, टेम्पो नहीं आ रहा। बड़े बूढ़ों को देखो तो बेचारे वो निकल नहीं सकते। हमारी नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त लोकल 18 की टीम पहुंच चुकी है सतना के वार्ड नंबर 22 में और यहां पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक वर्ष पहले यहां पे आरसीसी रोड का निर्माण हो रहा था और उसके बाद निर्माण के बाद ये कुछ गलियां हैं जो छूट गईं और उसके बाद कभी इस निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया। इस निर्माण कार्य न होने के कारण जो स्थानीय यहां पे रह रहे हैं घर के आसपास, उन्हें काफ़ी आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। बच्चे स्कूल जाने में समस्या झेलते हैं, बड़े ऑफिस जाने में समस्या झेलते हैं। हम ऐसी कुछ समस्या को लेकर के बात करेंगे स्थानियों से और जानेंगे आखिर कैसी समस्या आ रही है और शासन से कैसी पहल और कैसे निवारण की वो मांग चाहते हैं। रविंद कुमार द्विवेदी मेरा नाम है, मैं काशीपुर मुतैली में रहता हूँ। मैं करीब 7-8 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से यहाँ पर नाली की और रोड की विशेष समस्या है जो कि हमारे ये जो बद्रीपुरम के लिए जाती है, जो बस स्टैंड अभी नया निर्माण हो रहा है वहाँ के लिए करीब 1.5 साल हो गए हैं। काफ़ी उसमें भी लोगों ने संघर्ष किया है, लोगों को आने जाने की, बच्चों को आने जाने की बड़ी असुविधा होती थी, कीचड़ में थे। कुछ लोगों ने अपने से पैसे जोड़ करके रोड का निर्माण कराया था, इसके बाद सरकार ने, हमारा नगर निगम ने फिर उसको आरसीसी के रूप में पक्की रोड बनवाया। करीब 1-1.5 साल हो गया है और इसके बाद हम सब मोहल्लों की निर्माण नहीं हो पाया है रोडों का। हम करीब 6-8 महीने हो गए, मैं गया था महापौर जी के बंगले में, गए थे, अपना आवेदन दिए थे, 7-8 महीने हो गया। उन्होंने बोला था कि मैं आ करके ग्राउंड में चेक करूंगा और चेक करने के बाद में आप सबके रोड बनवाऊंगा, लेकिन अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिर्फ 7-8 महीने हो गए। बोले वह गर्मी तक में बनवा देंगे, फिर ठंडी अभी आ रही है, अब कब तक में क्या होगा अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, हमने मंगलवार को भी, हम दो तीनों लोग गए थे वहाँ पर भी मैंने पता किया तो बोला हाँ आवेदन आया है आप लोगों का होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हो। सबो घर है, ये करीब ये 4 रोडे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th हैं, तो ये चारों हैं और पीछे तक है करीब यहाँ तो 250-250 घर हैं पीछे तक। कहीं पर भी ये मतलब इस रोड को छोड़ करके, जो मेन रोड है इसको छोड़ के अंदर की जितनी भी रोड और नालियाँ हैं अभी कहीं पर भी पूरे बद्रीपुरम में इसमें निर्माण नहीं हो पाया। राम दीन मिश्रा, समस्याएं इस सरकार से रोड के इतना समस्या है हैं कि यहाँ तो मानो कोई न पार्षद न नगर निगम न कोई नेता, कोई किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं हो रहा। अब यहाँ बरसात में इतनी दिक्कतें हैं कि आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। यही हमारी मांग है सरकार से कम रोड नाली ये तो बनवा दी जाए, आने जाने की सुविधा हो जाए, कम से कम लड़के जो स्कूल जाते हैं, हम लोग आते जाते हैं, ये सब समस्याएं थोड़ा सा हल हों। जी यहाँ पानी गिरता बारिश में तो निकालने में दिक्कत होती है, रोड सही नहीं है, नाली भी नहीं है, भेजने में तकलीफ होती है, जैसे कीचड़ में जाते हैं बच्चे, स्कूल कीचड़ में, गाड़ी वाहन नहीं निकल पाते हैं। यह सब बन जाए कहाँ सब का हाँ नाली है रोड है। मेरा नाम पूजा तिवारी। रोड ना होने की वजह से हमारे जो भी वाहन हैं पानी भर जाता है गलियों में, वाहन धस जाते हैं, फिर वो दो दो चार चार घंटे निकालने में उनको दिक्कत पड़ती है। नालियाँ नहीं हैं, घर का पानी जो भी वेस्ट निकलता है वो पूरा नालियों में फैल जाता है या तो अगल बगल दूसरे के प्लाट में जाता है। प्रशासन से मांगे कि हमारे भी गलियों में रोड सड़कें बनवाएं, नालियाँ प्रॉपर करें, खुले में जो पानी बह रहा है घर का उसकी प्रॉपर बंद निकासी करवाएं, पानियों का निकास प्रॉपर हो।
मांगे कि रोड बनवाया जाए। वो भी यही समस्या है, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है कीचड़ में, बच्चों की ड्रेस यूनिफॉर्म सब गंदे होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। में देखो तो गंदगी है और यहाँ पानी कहीं निकल नहीं रहा है और रोज झगड़ा लड़ाई होते, तो आप जितना जल्दी हो सके तो यहाँ नाली भी बने और रोड भी बने। मेन समस्या हमारी ये सड़क की है, सड़क बहुत खराब हो जाती है, बरसात में थोड़ी भी पानी गिर जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। बच्चों को स्कूल जाना या घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, खेल भी नहीं पा रहे हैं और कोई दूसरा काम हो कहीं बाहर जाना वो भी नहीं होता, स्कूल कॉलेज जाना है तो वो तो सबसे बड़ी समस्या है ही। कीचड़ होता है तो चल नहीं पाते, नहीं चाहिए जल्दी से। एक बार सब लोग बोल दो, रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जल्द बननी चाहिए। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।